गाइज, ये इस सीरीज का पार्ट वन है और इसका पार्ट टू ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसे आप इस वीडियो के बाद पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन के लिंक की मदद से देख सकते हो। तो इस सीरीज की शुरुआत में हमें नरेटिंग वॉइस बताती है कि कोरिया कंट्री में क्रोनो लाइफ नाम की वर्चुअल रियलिटी गेम बहुत ज्यादा फेमस हो गई है। अब हम उसी गेम में जिनवु नाम के एक कैरेक्टर को देखते हैं, जिसे कोई भी अपनी टीम में नहीं लेना चाहता था, क्योंकि सब समझते थे कि वो एक न्यू प्लेयर है और उसके पास कोई खास टैलेंट भी नहीं है। तो ये सब सुनकर जिनवु को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो इस गेम को गाली देते हुए कहता है कि ये गेम बहुत बेकार है और इसमें कोई नहीं जानता कि मेरी स्वॉर्ड कितनी खास है और मैंने इसे इतने पैसे देकर खरीदा है। उसी वक्त जिनवु के पास एक सुंदर सी लड़की आके उसके साथ टीम बनाने को पूछती है, ताकि वो दोनों साथ मिलकर नए इवेंट को पूरा कर सके। तो उस लड़की की बात सुनकर जिनवु इसके लिए तुरंत मान जाता है और उस गेम की तारीफ करने लगता है, जिसके बाद वो उस लड़की के साथ इवेंट के लिए जाने लगता है, जहाँ जाते हुए वो लड़की जिनवु की बहुत तारीफ कर रही थी। तो जिनवु भी उसके सामने अपनी स्वॉर्ड का शो ऑफ करने लगता है, साथ ही उसे लगता है कि ये लड़की उसे पसंद करने लगी है, इसलिए ये थोड़े दिनों में उससे शादी कर लेगी और इनके बच्चे भी हो जाएंगे। लेकिन उसी वक्त वो लड़की कहती है कि हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं, लेकिन जिनवु को वो जगह इवेंट वाली जगह नहीं लग रही थी। पर उसी वक्त वो लड़की जिनवु के पेट में अपनी तलवार घुसा देती है। ये देखकर जिनवु को कुछ समझ नहीं आता और वो उस लड़की से पूछता है कि क्या तुमने ये सब मेरी स्वॉर्ड के लिए किया है। इस पर वो लड़की बोलती है कि बेवकूफ, मुझे तुम्हारी बेकार सी स्वॉर्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो तुम्हें यहाँ जंगल में बस मारने के लिए लेकर आई थी। ये सुन के जिनवु कहता है कि मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम मेरे साथ टीम बनाना चाहती हो। इस पर वो लड़की कहती है कि हाँ, वो झूठ था, तुम जैसे लूजर के साथ कौन टीम बनाना चाहेगा, तुम जैसे से तो मैं रियल लाइफ में बात तक ना करूं। ऊपर से तुम इतनी सस्ती स्वॉर्ड का शो ऑफ करते हो, लगता है तुम्हारे पेरेंट्स भिखारी हैं जो उन्होंने तुम्हें अच्छे वेपन्स खरीदने के पैसे नहीं दिए। ये सुन के जिनवु गुस्से में गाली देते हुए उस लड़की से कहता है कि तुम अब लिमिट क्रॉस कर रही हो, लेकिन तभी वो लड़की जिनवु को बीच से काट देती है, जिसके कारण जिनवु अपनी आखिरी सांसें लेने लगता है। इधर हमें पता चलता है कि वो लड़की ऐसे ही हजार लड़कों को मार चुकी है, जिस कारण अब उसका कोई मिशन पूरा हो जाता है, साथ ही उसका लेवल भी बढ़ जाता है और वो अब गॉडेस ऑफ लाइफ बन जाती है। इस तरफ जिनवु मरते हुए कहता है कि मैंने यहाँ एक बात सीख ली है कि इस गेम में जंगल के रूल्स चलते हैं, मतलब जो ताकतवर होगा वही जिंदा बचेगा। अब जिनवु प्लेस पर फिर से रिवाइव हो जाता है, लेकिन अब उसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा कम हो गया था, साथ ही उसे उस लड़की और उन लोगों पर गुस्सा आ रहा था जिन लोगों ने आज तक जिनवु को बहुत सुनाया है। इसलिए वो अपनी स्वॉर्ड को अपग्रेड करने के लिए रीइंफोर्सिंग हैमर निकालता है और उससे अपनी स्वॉर्ड पर वार करता है, लेकिन उसकी स्वॉर्ड अपग्रेड होने की बजाय टूट जाती है, क्योंकि किसी वेपन के अपग्रेड होने के चांसेस सिर्फ 5% होते थे और बाकी टाइम वो वेपन ही टूट जाता था। पर जिनवु हार नहीं मानता और उस हैमर को अपने ग्लव्स और क्लोथ्स पर भी ट्राई करता है, लेकिन उसका सब सामान डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से जिनवु रोने लगता है कि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। उसी वक्त उसके पास एक स्टिक आकर गिरती है जिसका लेवल बहुत लो था। तभी जिनवु देखता है कि वो स्टिक एक अजीब से लड़के ने उसकी ओर फेंकी है जो उसे चेयर कर रहा था। तो जिनवु को ये देखकर लगता है कि उस लड़के को जिनवु पर दया आ गई होगी, क्योंकि उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा है। तभी जिनवु स्टिक पर अपने हैमर से वार करता है, लेकिन वो टूटने के बजाय अपग्रेड हो जाती है। तो जिनवु सोचता है कि आखिर उसकी किस्मत इतनी बेकार क्यों है, क्योंकि उसकी स्वॉर्ड तो टूट गई और ऐसी बेकार सी स्टिक अपग्रेड हो रही है। अब जिनवु बार बार उस स्टिक पर मारने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये स्टिक एक न एक बार टूट ही जाएगी। अब उस स्टिक पर वार करते करते जिनवु को सुबह से शाम हो जाती है, पर वो स्टिक नहीं टूटती, बल्कि उसका लेवल तो बढ़ते बढ़ते मैक्स हो जाता है। लेकिन ये देखकर जिनवु को कुछ समझ नहीं आ रहा था, बल्कि उसको तो पसीने आने लगते हैं, क्योंकि किसी वेपन के अपग्रेड होने के बस 5% चांसेस होते हैं और नेक्स्ट अपग्रेड पर तो उसके चांसेस और कम हो जाते हैं, लेकिन ये स्टिक तो अपग्रेड होते होते मैक्स पर पहुंच गई थी। अब जिनवु उस स्टिक को उड़ाने लगता है, पर उड़ाते समय गलती से उससे वो स्टिक जमीन पर टच हो जाती है, जिसके कारण एक बहुत बड़ा धमाका होता है और ये धमाका इतना बड़ा था कि इससे एक कॉन्टिनेंट में एक बहुत बड़ी लाइन बन जाती है। इधर उस धमाके को देखकर बाकी प्लेयर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था और उन्हें लग रहा था कि ड्रैगन्स ने उन पर अटैक कर दिया है।
इधर जिनवू हमें बताता है कि उस अटैक में 850,000 प्लेयर्स मारे गए हैं, जो कि इस गेम का वर्ल्ड रिकॉर्ड था। साथ ही इसकी वजह से जिनवू का विलन स्टेटस भी बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि उसने प्लेयर्स नॉर्मल को मारा था। लेकिन जिनवू तो बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि अब वो इस ट्रिक की मदद से उस लड़की और उन लोगों से बदला ले सकता था। अगले दिन जिनवू उसी सिटी में घूमने लगता है, जहां वो एक ताकतवर बंदे से टकरा जाता है, पर वो उससे माफी मांगने के बजाय उसे गाली देकर जाने लगता है, तो वो बंदा जिनवू की कॉलर पकड़ लेता है। ये देखकर जिनवू उस बंदे के सर पर अपनी स्टिक से हल्के से टच करता है, लेकिन इससे उस बंदे के साथ साथ वहाँ के और लोग भी मर जाते हैं। तो ये देखकर जिनवू को लगता है कि अब वो इस गेम का स्ट्रॉन्गेस्ट मेन कैरेक्टर है। लेकिन तभी उसकी स्टेटस विंडो उसे बताती है कि उसकी स्टिक की ड्यूरेबिलिटी बहुत कम रह गई है और अब वो बस 3 बार और इस स्टिक को इस्तेमाल कर पाएगा। तो ये सुनके जिनवू निराश हो जाता है और सोचने लगता है कि उसकी हालत तो पहले जैसी हो गई है, क्योंकि उसके पास बस 3 मौके बचे हैं, इसलिए वो अपने दुश्मनों से बदला नहीं ले पाएगा। पर तभी जिनवू को आइडिया आता है कि वो इन 3 अटैक से इस गेम के स्ट्रॉन्गेस्ट बॉस को हराएगा, इसलिए जिनवू वैली ऑफ डेड में आ जाता है, जहाँ वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉस 2-हेडेड ड्रैगन रहता था, जिसका नाम उरुस था। अब जिनवू को वहाँ देखकर उरुस उससे कहता है कि बेवकूफ ह्यूमन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। पर उसी वक्त जिनवू अपनी स्टिक से उरुस के सेकंड हेड को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये देखकर उरुस घबरा जाता है और जिनवू को गिड़गिड़ाते हुए बोलता है कि प्लीज एक बार रुक जाओ और बस मेरी बात सुन लो। ये सुनके जिनवू उससे कहता है कि पर अभी तो तुम मुझे बेवकूफ बोल रहे थे। इस पर उरुस कहता है कि थोड़ी देर पहले मैंने वो सब नासमझी में कह दिया था, क्योंकि मुझे आपकी ताकत के बारे में नहीं पता था। लेकिन जिनवू उसकी बात नहीं सुनता और उस पर फिर से अटैक कर देता है, जिसके कारण उरुस मरने ही वाला था। तभी जिनवू बोलता है कि काश मेरी इस स्टिक की ड्यूरेबिलिटी ठीक होती तो मैं अपने दुश्मनों से बदला ले पाता। तो ड्यूरेबिलिटी का नाम सुनके उरुस जिनवू से कहता है कि मैं आपकी ये प्रॉब्लम ठीक कर सकता हूँ। तो जिनवू इसके बारे में पूछता है तो उरुस अपनी सोल जिनवू की स्टिक में डालते हुए कहता है कि इसके कारण आपकी स्टिक एक ईगो स्वॉर्ड में बदल जाएगी, जिसकी ड्यूरेबिलिटी इन्फिनाइट होती है। तो ये सुनके जिनवू हंसते हुए कहता है कि मैंने तो बदले के बारे में सोचना बंद कर दिया था, पर मुझे लगता है कि गॉड्स भी चाहते हैं कि मैं बदला लूं। इस तरफ हम देखते हैं कि हर कॉन्टिनेंट के हर एक किंगडम में जिनवू के वांटेड पोस्टर लगा दिए जाते हैं, क्योंकि उसने एक बारी में ही 850,000 लोगों को मार दिया था, इसलिए अब लोग उसे पकड़ना चाहते थे। साथ ही इस गेम के 5 टॉप गिल्ड्स भी अपनी आर्मी लेकर जिनवू को पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। असल में एक गिल्ड हंटर्स की प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो मॉन्स्टर्स को पकड़कर उनसे प्रॉफिट कमाती है, साथ ही कई मिशंस भी करती है। इस तरफ अपनी स्टिक की ड्यूरेबिलिटी इन्फिनाइट होने की वजह से जिनवू बहुत खुश था। पर तभी अचानक से उरुस की सोल उसकी स्टिक में से बाहर आती है, जिसे देखकर जिनवू डर जाता है। अब उरुस जिनवू से कहता है कि मैं अब आपके साथ ही रहूंगा, लेकिन मुझे आपके अलावा कोई नहीं देख पाएगा और जिसके हाथ में ये स्टिक होगी बस वही मुझे देख पाएगा। ये सुनके जिनवू उससे कहता है कि वो तो ठीक है, पर तुम्हारे तो 2 हेड थे ना, तो तुम्हारा दूसरा हेड कहाँ गया? पर उरुस को भी पता नहीं था कि उसका दूसरा हेड कहाँ है। उसी वक्त वो वांटेड का पोस्टर उड़ते हुए जिनवू के पास आता है, तो जिनवू उसे देखकर खुश हो जाता है। साथ ही उरुस भी जिनवू की तारीफ करते हुए कहता है कि मास्टर, आप तो सच में कमाल के हो, आपने एक ही बार में 850,000 लोगों को मार दिया और अब आप पर 1 बिलियन गोल्ड कॉइन्स का इनाम है, इसलिए हमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत लोग ढूंढ रहे होंगे, तो क्यों ना हम धीरे धीरे ह्यूमंस को खत्म करना शुरू कर दें। ये सुनके जिनवू उससे कहता है कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बल्कि मैं तो बिल्कुल वीक दिखने की कोशिश करूंगा। इस पर उरुस उससे कहता है कि पर ऐसा करने पे तो आपका कोई फायदा नहीं होगा। ये सुनके जिनवू उसे बोलता है कि मैंने कई सारी एनिमेस और मूवीज में देखा है, स्ट्रॉन्ग पीपल अपनी पावर्स को हाइड रखते हैं ताकि वो समय आने पर कूल दिख सके। पर उसी वक्त जिनवू को एक तीर आकर लगता है, जो कि एक गिल्ड के एक सुप्रीम कमांडर ने मारा था, जिसका नाम आई था। अब आई अपनी आर्मी से कहता है कि इसने बहुत सारे लोगों को मारा है, इसलिए इसे बंदी बना लो। इधर उरुस जिनवू से बोलता है कि मास्टर, आपको जल्दी से उठना पड़ेगा, क्योंकि भले ही ये ह्यूमंस वीक है, पर अगर ये एक साथ अटैक करेंगे तो आपको इनका सामना करने में बहुत मुश्किल होगी। ये सुन के जिनवू खड़ा हो जाता है, तो उसे खड़ा होता देख आई अपनी आर्मी को जिनवू पे अटैक करने को बोलता है। इधर जिनवू उरुस से कहता है कि मैं तो शांति से जीना चाहता था, पर लगता है ये लोग मुझे ऐसे जीने नहीं देंगे। अब ये बोलकर जिनवू अपनी स्टिक हवा में घुमाकर एक ही बार में उस पूरी आर्मी को हरा देता है। साथ ही उसने उस पूरे शहर को भी तबाह कर दिया था, लेकिन आई उस अटैक में मरने से बच गया था।
इसलिए वो तुरंत ही अपने समनिंग क्रिस्टल से वहाँ बाकी गिल्ड के मेंबर्स को भी बुला लेता है, जो कि टोटल 3 मिलियन लोग थे। तभी आई सभी गिल्ड को एक साथ जिनवू पर अटैक करने को बोल देता है, तो जिनवू भी अपनी स्टिक से बहुत जल्दी जल्दी उन नाइट्स को मारने लगता है। ये सुन के उरुस सोचता है कि थोड़ी देर पहले मैंने मास्टर से कहा था कि अगर ह्यूमंस एक साथ आप पर अटैक करे तो आप मुसीबत में पड़ जाओगे, पर अब मुझे लगता है कि मैं भी अगर ह्यूमंस के साथ मिल जाऊं तब भी हम मास्टर को नहीं हरा पाएंगे। उसी वक्त एक स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन एंशियंट मैजिक से जिनवू पर अटैक करती है, पर जिनवू अपनी स्टिक को बस हल्के से ऊपर करके वो मैजिक फॉर्मेशन तोड़ देता है, जिसे देखकर वो स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन हैरान होते हुए बोलती है कि इसने एंशियंट मैजिक फॉर्मेशन को इतनी आसानी से कैसे तोड़ दिया। तभी जिनवू अपनी स्टिक के अटैक से उन सभी को हरा देता है, जिसके बाद वो आई के पास आकर उससे कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ रहा था। ये सुन के आई को चैन की सांस मिलती है, पर तभी जिनवू उसके फेस पर जोरदार अटैक करते हुए उससे कहता है कि तुमने मुझे तीर मारा था, मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूँ। अब उन सभी के मरते ही जिनवू वहाँ उस लड़की को देखता है जिसने उसे पहले धोखा दिया था। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।